तो भाई ये देखो भाई, जो अपने पास फ़ोन है ना, ये है सिर्फ और सिर्फ 4000 का। ये कौन सा मॉडल था भाई? ये iPhone 7 4000 का, 32 GB, 320 है भाई ये। सिर्फ और सिर्फ अपने को 6500 का मिल रहा है ना, और ये फिर एक्सेस आ जाता है अपना, और एक्सेस भी मतलब काफ़ी अपने को सस्ता मिल रहा है यार। क्या रेट बताया था इसका आपने? 10000 12 बताया था, 12। ये काफ़ी महंगा कर दिया इन्होंने, 12। और 11 अपने को मिल रहा है 15000 का, और ये अपने को मिल रहा है 18000 का 11 प्रो। सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो भाई, जैसे आप सभी को पता है कि अपना आईफोन था वो सारा टूट चुका है भाई, ये देखो ना। और इससे पहले हमने जो ब्लॉग बनाया है ना, नगर कीर्तन वाला, भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके पहले पिछले वाला ब्लॉग देख लो। जैसे आप सभी को पता है कि अपने बुलेट की एक वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें आप बुलेट की पावर चेक करें, बुलेट का टोजन डलवा रहे हैं, और बुलेट से आप एक पेड़ को टो कर रहे हैं ना, आपने वीडियो देख ली होगी। तो अभी जब हम इसको पत्थरों के ऊपर चढ़ाने गए थे ना, तब मेरा फोन नीचे गिर गया था यार, जिस वजह से अपना सारा फोन डैमेज हो चुका है। सो भाई, जैसे कल नगर कीर्तन की वीडियो आई, हमने डालने तो आईफोन की थी, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट था ना उस वीडियो का। फिलहाल भाई कल नगर कीर्तन था, सो उस वजह से वीडियो आ नहीं सके ना। सो अभी अपन चलते हैं, अपने फोन को दिखाते हैं और उसमें पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपने बुलेट वाली अपनी वीडियोस नहीं देखी है, स्प्लेंडर वाली, जो भी हम फंक्शन करते रहते हैं, सो भाई आप जल्दी से जल्दी चैनल में जाओ, वीडियोस देखो, एंजॉय करो, फन करो। तो अभी चलते हैं अपने फोन को लेके बैनीवाल मोबाइल शॉप पे, और वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। हो सका तो यार मैं फोन चेंज ही कर लूंगा, आज देखते हैं कौन सा लेके आते हैं। तो चलो भाई। तो भाई ठंड बहुत है यार बस स्टैंड पे, तो यार कसम से बाइक पे ठंड बहुत लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक आप चैलेंज और करेंगे यार, उसके बारे में ना आपको बाद में बताऊंगा मैं। सो करंट पीछे पीछे आ रहा है, हम जा रहे हैं बाइक पे, वो पैदल ही आ रहा है। ठंड बहुत है ना, ट्रैफिक भी बहुत है भाई, दिल्ली बड़ा बड़ा है हमारा ओडा, ये देखो आप कितना ट्रैफिक है यार, है ना। तो भाई पहुंच चुके हैं बैनीवाल मोबाइल शॉप पे, फोन लेने के लिए और दिखाने के लिए हमारा फोन जो डैमेज हो चुका है ना। तो भाई साहब ये देखो मोबाइल यार, अपना कितना खर्चा आ सकता है इसके ऊपर, अपना जो ग्लास टूटा है यार, है ना। तो अरुण भाई इसका 8500 रुपए तक खर्चा आ जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। हाँ सारा नया बन जाएगा। तो बंदे काफी आ चुके हैं यार, है ना, आपको ज्यादा टाइम मत लगे यार। अभी नया ले लें या फिर आप एक बार इसको चला लें यार, आपका क्या ख्याल है? बस तो नया ले लेना चाहिए, नया ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ रिपेयर तो रिपेयर ही होता है। या आप यार मेरे को ऐसे करो, एक बार ये फोन आप ठीक करवा लो, इतने मेरे को और फोन दिखा दो, क्योंकि मेरे को तो जरूरत रहती है फोन की, एक और ले लूंगा मैं साथ में। सो यार क्योंकि ना जब मेरे को ब्लॉग बनाने होते हैं ना, तो अपने को दो फोन चाहिए ना। अभी अपन फोन देखते हैं भाई, जो जो पड़े इनके पास स्टॉक में। तो भाई फोन तो काफी पड़े हैं यार। भाई एयरपोर्ट ओरिजिनल पड़े हैं क्या प्रो? एयरपोर्ट 3 है क्या? ये दिखाना भाई यार, ये भी देख लेना भाई। आप सभी को एक दुखदायी घटना बता दूं, जब मैं ऐसे एयरपोर्ट देखता हूं तो मेरे ना जख्म पे नून का छिड़काव हो जाता है ना, पता है कैसे? क्योंकि ये मेरे गुम हो गए थे यार, और मेरे कॉलेज में मेरा एग्जाम था ना। कितने के? 7000 ओनली ऑन। और न्यू कितने के भाई? 18000 18000 के 7000 महीने वारंटी में। भाई जल्दी जल्दी से आपके भाई के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए जाए, जिसकी मदद से अपन एयरपोर्ट ले सकें। डाल दो यार, डाल दो, डाल दो यार, रुलाओगे क्या? चलो थैंक यू भाई, जो हमारा काम है हमने फ़ोन लेना है ना बस, क्योंकि मेरे को जरूरत रहती है यार। 11 प्रो? 11 नहीं भाई, इतना महंगा नहीं मैंने लेना यार, ऐसे मत करो यार, ये बड़े बड़े फ़ोन दिखा रहे हैं यार, हम खुद 11 वाले बंदे हैं। कोई कोई मेरे को छोटा दिखा दो, कोई SC 7 सुगुन, SC 2020। ये 2020 का क्या मतलब आ गया भाई? 2020 में आया, 2020 में आया था, उसके बाद वाले चेंज हो गए क्या मॉडल? अच्छा मॉडल के ऐसे भाई, क्या बात है, ये तो यार जैसे कोई गाड़ी बेचनी होती है वैसे डीलिंग करते हैं बंदे। सो भाई ये SC 2020 अपने को कितने का पड़ रहा है, सही से बता दो भाई। 8000 का। पहले भाई ने ना थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया था, फिर मैंने बोला भाई आपकी वीडियो बन रही है यार, थोड़ा सा कम बोल, इस वजह से हमने कट लगा दिया वीडियो में ना। सो और कौन कौन सा भाई आपके पास बढ़िया अवेलेबल? iPhone XS मिल जाएगा। वही ये 7 प्लस कितने का पड़ा है? नहीं नहीं ये नहीं लेना भाई, इतने बड़े मोबाइल हमने नहीं लेने यार। 11 भी पड़ा है ना? 7 प्लस भी पड़ा है। काफ़ी मॉडल तो सारे अवेलेबल है ना आपके पास? हमें सस्ते सस्ते दिखा दो, हम सस्ते से बनते हैं यार, जब हमारी कोई वीडियो वीडियो कोई 2-3 मिलियन जाएगी फिर लेंगे फोन। ये कितने का पड़ेगा अपने को? 9000। 128 GB 128 GB 9 7 प्लस। ये मेरे को यार अच्छा लगा, मेरा इस पे मन आ चुका है। ये वैसे पिछले लेमिनेशन है क्या ये? 32 GB 7 ओनली 5000। ये भाई, ओ भाई 5000 का, जल्दी जल्दी से यार ले जाओ ये, तो मैं ले जाता हूँ, मेरे को तो ये ठीक लगा उससे भाई। इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ेगा अपने दोनों का?
वो जो 7 प्लस पड़ा है या 7 और 7 प्लस कैमरे का फर्क आ जाएगा। ये 9000 का बताया ना आपने, 4000 का फर्क पड़ रहा है ना। 5000 तो मेरे पास है बजट, इतना तो हम ले ही सकते हैं मेरे भाई। सो भाई अभी मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, बाकी बजट तो मेरा 4000 वाला ही है, यही देखते हैं भाई ये ना ले लें क्या। सो ये कितने का पड़ेगा जी अपने को फाइनल? 4000 का ही। 4000 फिक्स रेट ही है ना? चलो ठीक है जी। और इसका कोई बिल्ड बॉक्स है आपके पास? इसके साथ केबल मिल जाएगी, अकेली केबल ही है। ठीक है चलो फिर तो सही है जी। अपने को आईफोन 7 भाई डन हो चुका है यार 4000 का। सो अभी पेमेंट कर देते हैं और इसको ले जाते हैं। सो भाई अभी अपना फोन हो चुका है डन, अभी एक सस्पेंस और बाकी है भाई। कोई भी बंदा वीडियो को स्किप मत करना, इनके पास जो जो फोन है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं सारों के प्राइस बताऊंगा आपको ना, वैसे तो ऊपर लगे हैं ना ये, इनकी टेंशन मत लो, ये बाकी कम कर देते हैं बंदे। सो मैं स्पेशल सेकंड पार्ट लेके आ दूंगा आपके लिए, मतलब जितने फोन पड़े हैं इनके पास, सो मैं उनकी वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को। सो अभी वीडियो स्किप मत करना, फोन हमने ले लिया, अभी अपने को एक बर्गर तैयार करना है बहुत तगड़े वाला। सो भाई उसके लिए ना अपने को काफी तगड़े वाला ब्रेड तैयार करवाना पड़ेगा, बर्गर भाई क्या मजा आ जाएगा ना अपने को। कभी चलते हैं आप यार, क्योंकि भीड़ भी काफी हो चुकी है ना, तो देखते रहो। सो भाई फिलहाल हम बेकरी पे पहुंच चुके हैं यार, वो जो बेकरी वाला अपना भाई है ना, वो एक इनकी दूसरी और शॉप है वहाँ पे गया हुआ है। तो उनको आने दो, फिर जो अपने को एक ब्रेड तैयार करवाना है ना उसके बारे में बात करेंगे यार। और अपने को ना ब्रेड चाहिए जिससे आप बहुत तगड़े वाला और बहुत ज्यादा बड़ा बर्गर बना सके ना। सो आ जाने दो उनको। सो भाई अपना रोहित भाई बेकरी वाला आ चुका है अभी। और भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। सो यार अपने को ब्रेड बनाना, पहले अंदर तो ले जाओ यार, हमें बाहर ही देख लो यार क्या हाल है। भाई एक्साइटेड हो गया थोड़ा सा वीडियो को देख के है ना। और भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाई यार अपने को ना एक मतलब ब्रेड तैयार करवाना है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा साइज हो, उसको ना अपना एक बर्गर में कन्वर्ट करना चाहते, मतलब एक बर्गर बनाना चाहते हैं उसका, जैसे बड़ा ब्रेड बना के छोटा है। और हम कम से कम भाई जो वीडियो आएगी ना अपनी, कम से कम हम पूरे डबल वाला बर्गर लेके आएंगे और उस पर चैलेंज रखेंगे कि उसको कौन खाता है ना। सो वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। पहले भाई से बात करते हैं अपना। सो भाई तैयार कर दोगे आप? तैयार कर लेंगे। तो साइज क्या रहेगा? जैसे ऐसा है, इससे थोड़ा हल्का बड़ा, हाँ थोड़ा हल्का बड़ा रख देना, ठीक है जी। उसको ना थोड़ा सा वैसे पतला कर देना, ज्यादा मोटा मतलब मोटाई में नहीं रखेंगे आप, ठीक है। ऐसे सिंगल हो गया, हाँ हाँ, तो वैसे में ये पूरी ट्रे भर जाए, हाँ, ऐसे दो बनाने हमको, तो ऐसा एक ट्रे है तो एक बन गया, हाँ हाँ, दूसरी ट्रे में और बना देंगे तो दो बन जाएगा अपने पास, हाँ दो बन जाएंगे, हाँ बस, हाँ दो बन जाएगा, उसके अंदर बर्गर फिट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे बनाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा अपना उसपे? जितना भी हमको बर्गर बनाएंगे उस पर जितना भी खर्चा आएगा ना, मतलब जितनी कॉस्ट पड़ेगी टोटल कॉस्ट, वो आपको बर्गर वाली वीडियो में ही बताएंगे। और आज हमने भाई को ऑर्डर दे दिया है, तो आप ना ये परसों तैयार कर देना, ठीक है जी। परसों क्या देना भाई, मंडे है, तो आप हाँ सोमवार को आप तैयार कर देना। भाई भाई का काफी काम है यार, आपको बता दूं। भाई बताना यार आप क्या क्या तैयार करते हो? पहली नंबर तो केक तैयार करता हूँ जी, बिस्कुट तैयार करता हूँ जी, बर्गर भी तैयार करता हूँ जी, पैटीज तैयार करता हूँ जी, पाव हो गया जी, जितना सिस्टम है, जितना बेकरी का सिस्टम है नी, सारे कुछ तैयार करता हूँ, ठीक है। वैसे आपको बात बता दूं यार, भाई के बने हुए बिस्कुट और पैटीज हमने खाए हैं, बहुत टेस्टी है ना। तो भाई की बेकरी का नाम है सुमित बेकरी स्टोर, सुमित बिस्कुट बेकरी एंड केक हाउस, हाँ। सो भाई की शॉप का नाम है सुमित बिस्कुट बेकरी। तो भाई अभी हम कुछ ना कुछ खाएंगे यार, है ना, मैं तो पेटीज खाऊंगा, पेटीज भी दे देते हो ना गरम गरम करके, और आप पेटीज खा के चलते हैं यार, जिस भाई ने खानी है आगे खा लो, पर हमारी वाली पे नींद मत डाल देना, मैंने बता दिया कहीं पेट दुखने लग जाए। भाई करण की एक बात भी मेरे को याद आ गई यार, ओके भाई, जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं था भाई 7th क्लास में और आई थिंक 3rd 4th क्लास में था, ए भाई इसने मेरे को यहाँ पे ना बर्गर खिला दिया भाई 20 रुपए का, स्कूल से माए थे भूखे भूखे, और ये बंदा उसका एहसान अभी तक मानता है नहीं भाई। मेरा वो यार भाई, यार भाई बातों में सुना देता है कि मैंने तेरे को पूछने 5-6 साल पहले एक बर्गर खिलाया था, उसके पैसे दे दे, और अभी इसने 100 रुपया किया है, वो पैसे होते हैं मेरे पास बहुत, और अभी इसने 100 रुपया के पैसे बहुत ले, फिर पैसे पैसे देने के लिए नंग है यार ये, इसके पास क्या है ये, तो इसका ये कैमरे के आगे खिला दिया भाई इसने, अभी मेरे को पता है घर पे जाके बोलेगा पैसे दे दे, पैसे दे दे भाई, पेट्रोल किसने डलाया था दो बार अरे भाई यार तू बस रहने दे यार। सो भाई भाई ने पेटी हमारी तैयार कर दी है, आके देखते हैं कैसी बनी है। भाई ऐसे करो आप ना यार कैमरा बंद कर दो, अब खा के बाद में चलाएंगे वीडियो, बंद कर दो एक बार। तो भी फाइनली अभी घर पे पहुंच चुके हैं और हमने फोन जो था वो ले लिया भाई, और बाकी कल जो ब्लॉग आएगा ना वो बुलेट वाला ही बनाएंगे, बुलेट को उसके ऊपर चढ़ाना है हमने। सो आपने किसी ने मिस नहीं करनी है, जो कल सुबह 8 बजे ब्लॉग आएगा, 365 डेज और 365 ब्लॉग जो हमने चैलेंज ले रखा है, तो सुबह 8 बजे डेली अपना ब्लॉग आता है, सो देखना मत भूला करो। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय, लव यू लॉट, मिलते हैं फिर कल सुबह दोबारा एक नई वीडियो के साथ सुबह 8 बजे। बाय बाय।